नमस्ते वेलकम टू डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आई एम वैशाली चौहान इस वीडियो का टॉपिक है कीटोजेनिक डाइट। uh, हमारे चैनल पे अभी तक कोई भी वीडियो नहीं था कीटो डाइट पे, सो वी थॉट ऑफ एड्रेसिंग दिस टॉपिक एंड आई एम श्योर आप बहुत टाइम से वेट भी कर रहे होंगे कि कोई कीटो डाइट पे वीडियो आए सो आई एम हियर टू डिस्कस व्हाट इज़ अ कीटो डाइट कीटो डाइट को हम कीटोजेनिक डाइट भी बोलते हैं एंड इसमें हमें सिर्फ एक रूल याद रखना है कि ये एक ऐसी डाइट है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स कम लेते हैं और फैट बहुत हाई लेते हैं एंड प्रोटीन मॉडरेट अमाउंट में लेते हैं सो आई विल रिपीट कि कीटोजेनिक डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें लो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हाई फैट है और प्रोटीन मॉडरेट है ये डाइट लेने से हमारी बॉडी एक कीटोसिस सिचुएशन में चली जाती है जिसमें हमारी बॉडी फ़ैट यूज़ करती है एज अ फ्यूल इंस्टेड ऑफ़ कार्बोहाइड्रेट्स इसका एक स्टैंडर्ड रूल है जैसे कि स्टैंडर्ड कीटोजेनिक में स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट में 70% परसेंट फैट रहता है 25% परसेंट प्रोटीन रहता है एंड कार्बोहाइड्रेट्स uh, सिर्फ 5% परसेंट रहता है सो so फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप क्या खा सकते हैं इस डाइट uh, में और क्या नहीं खा सकते हैं तो so चलिए बात करते हैं कि आप क्या ले सकते हैं सबसे पहले इसमें आती हैं वेजिटेबल्स आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं आप मीट ले सकते हैं फिश ले सकते हैं एग्स भी ले सकते हैं अवोकाडो ले सकते हैं चीज़ ले सकते हैं सो थोड़े रिस्ट्रिक्टिव एरिया है कि ये सब चीज़ें आप इतनी चीज़ें ले सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप क्या चीज़ें नहीं ले सकते हैं उस पर ज़्यादा ज़ोर देना है क्योंकि ये चीज़ अगर आपने ली तो आपकी बॉडी कीटोसिस से हट जाएगी तो ये फूड ग्रुप जो मैं बताने जा रही हूँ ये हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो ये फूड आइटम्स नहीं लेने चाहिए अगर आप कीटोजेनिक डाइट पे हैं तो फर्स्टली ग्रेन्स अवॉइड करने हैं ओट्स वगैरह नहीं ले सकते हैं आप वेजिटेबल ऑयल नहीं ले सकते हैं यहाँ तक कि आप फ्रूट्स भी नहीं ले सकते हैं प्रोसेस्ड आइटम्स बिल्कुल नहीं ले सकते हैं लेग्यूम्स नहीं ले सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं ले सकते हैं, हैं, हैं। हाँ मैं समझ गई आपको लग रहा है कि क्या ले सकते हैं आप कुछ भी तो ले नहीं सकते तो यस लेट्स टॉक अबाउट दी डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट हो जाती है ये टफ होता है ये लोगों के लिए करने एंड uh, थोड़ी एक्सपेंसिव भी हो जाती है कि चीज़ एवोकाडो ये सब खाना है तो इट इज़ नॉट पॉकेट फ्रेंडली नेक्स्ट ये uh, यू अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं रही तो यू माइट इवन लूज़ मसल मास जो कि हेल्दी नहीं है एंड काफ़ी ड्रेनिंग भी हो जाता है तो लोगों को डिजीनेस रहती है बिकॉज वो प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि कितना कार्बोहाइड्रेट कितना प्रोटीन कितना फैट ले रहे हैं वो तो उनको साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं या आप किसी की गाइडेंस में है सम वन इज़ देयर जो आपको एक प्रॉपर डाइट चार्ट बना के दे वो कैलकुलेट करके देगा तो इसके एडवांटेजेस भी तो इसके एडवांटेजेस भी हैं जैसे कि सबसे बड़ा एडवांटेज है यू लूज़ वेट वेरी क्विकली तो ये हेल्प करता है लूज़ वेट करने में अगर टाइप टू डायबिटीज़ है इट विल बी अ मेरिकल फॉर यू आप टाइप टू डायबिटीज़ अगर सफ़र कर रहे हैं उसमें वो हेल्प करेगा एंड जो रिस्क ऑफ़ कैंसर है वो भी बहुत कम करता है सो इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर एंड लास्टली डिमेंशिया अल्जाइमर से भी ये प्रिवेंशन में हेल्प करता है सो दिस डाइट इज़ अ वेरी ट्रेंडी डाइट दीज डेज सो हमने सोचा इस पर आपको थोड़ा एजुकेट करें आई एम नॉट सम वन जो एडवोकेट करेगा ये डाइट बस आपको एजुकेशन देनी थी दैट इज़ वाई वी मेड दिस वीडियो मैं अभी भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप घर का खाना खा के ही पतले हुई है या फिट रहिए या हेल्दी रहिए सो बैलेंस डाइट रखिए जैसे खाना आप खाते आ रहे हैं बचपन में जो घर में बन रहा है वो ही खाइए एंड स्टे हेल्दी थैंक यू एंड टेक केयर